लोगों को दोस्तों एक बहुत सुंदर खूबसूरत में एक बढ़कर एक देखने को मिलता। तो सबसे पहले ये देखे कितना नेचुरल ब्लैक कलर है जैसे कोई पॉलिश कर रखी हो इतना ब्लैक कलर में आज काफी दिनों के बाद इस जोटी में देख पा रहा हूँ प्रेगनेंट रुस्तम गी जो भाई तो इसकी बेड की ऊन बेचते हो ऊन नहीं बेचती ऊन नहीं बिकती क्यों ब्याश की नन नहीं लगती है फर्स्ट टाइम की जोटी की और कितनी हाइट है कितने आइटलम बेटे नमस्कार पशुपालक साथियों मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मोरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूँ भाई आज की वीडियो भाई भानगढ़ गाँव से लेकर के आए हैं और भिवानी डिस्ट्रिक्ट का ये गाँव है काफी अच्छा पशुधन आप लोगों को आज देखने को मिलेगा और काफी संख्या में जो गांव के मौजूद आदमी हैं वो भी पहुंचे हैं अच्छे पशुपालक हैं अपने अपने घरों पर अच्छी ब्यासे भी रखते हैं तो आज इस वीडियो में काफ़ी कुछ है जो मेरे युवा साथी हैं किसान साथी हैं उनको सीखने को मिल सकता है एक एक भाइयों से जो पूछे हैं उनसे भी जानकारी लेंगे क्या क्या अपने पशु को खिलाते हैं कैसे ध्यान रखते हैं लेकिन आज आप लोगों को बता देता हूं कि जो एक फर्स्ट टाइमर जोटी है इधर और कैसे है और सेल के लिए है नहीं है वो भी सारी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो में देखने को मिलेगी तो शुरुआत करते हैं आज भाई से प्रदीप भाई के पास पहुँचे हैं भानगढ़ में नमस्कार प्रदीप भाई नमस्कार आपके सभी चैनल देखने वाले को राम 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 भाई प्रदीप तो अपना एक बार गांव और पता हो और रहे है जिला है है जिला तहसील है तहसील तो, 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 तो ये बताएं प्रदीप भाई कितनी पढ़ाई लिखाई करी है आपने मैंने बीएससी बीएससी कर ली हाँ। तो अभी देखते हैं वीडियो में काफी पढ़े लिखे जो युवा साथी हैं इस पशुपालन में आते जा रहे हैं क्योंकि सर्विस हर एक को नहीं मिलती तो एक पशुपालन का हमेशा एक किसान का ये दे रहा है कि आम खेती के साथ अगर अच्छा पशुधन धन पाड़े तो हमारी खेती बाड़ी के साथ साथ पशुधन भी अच्छा पड़ेगा और अपनी व्यवसाय भी अच्छी इनकम हो सकती है और साथ ही साथ भाई माँ बाप ने भी बुढ़े आदमी मिल जाए हाँ, क्या बहुत बढ़िया भाई तो प्रदीप कितने दिन हो गए काम करते पचास तो साल यो खरना हाँ। जी करना यो ही करना पिताजी करते थे अभी तू भी संभाल रहा है पढ़ाई भी कर रहा है की भी तैयारी कर लिया अच्छा अच्छा कोई बात नहीं

जी जी इसका खड़ा है हाँ। यो है जी इसका बुल तो बाकी इसका तो प्रेग्नेंट है रुस्तम गतोली जो भाई चैंपियन रह चुका है काफी बार मेलों में आपने देखा होगा बहुत ही सुंदर जो कटड़ा है जो अपने कैप्टन है योम का उसका कटड़ा है उससे ही अभी सीमन से ज्ञापन कराई है हाँ तो कितने का आपने सटरा मिला भाई उधर सटरा मेरे को तो जी योगेश जी आ, उसके पास था बारह सौ रूपए लिए थे लिए थे दो और... टाइम करवाया था जी एक बार सुबह और दूसरे दो, दोनों टाइम के बारह हाँ। सौ चलो ठीक है दोनों टाइम के भाई इतनी दूर से आया था चलो, वो बात एक चल जाती है हाँ। और आपने भाई शटरा खुद नहीं लेके आए थे वो रखे आपने हाँ, है ठीक है बहुत बढ़िया तो डॉक्टर ने बताया आपने खुद नॉलेज था भाई मैंने सटरा रखना ये आपके जैसे चैनल थे ना उन चैनलों के माध्यम से देख के पता लगा कि अच्छा पशुधन रखे अच्छा रखा बहुत बढ़िया भाई देखो आज मेरे को बड़ी खुशी हुई है कि पहला आदमी वीडियो देखने से काफी खुद सीखे और मैं हर वीडियो में ये जिक्र करता हूँ भाई कोई भी सीमन कोई भी एआई कराते हो तो डॉक्टर से आप अपना सेटरा रखें असल में तो मैं डॉक्टरों से भी ये बात कहता हूँ निवेदन करता हूँ जो मेरे किसान साथी हैं पशुपालक साथी हैं उनको आप सेट्रा रखें ये उनको दें और बोलना भी चाहिए आपने कि डायरी में नोट करें ताकि आ, आगे दो साल बाद चार साल बाद जब भी पूछना चाहे हम उसका रिकॉर्ड बता सकते हैं तो आप लोगों को दोस्तों एक बहुत सुंदर खूबसूरत जो फर्स्ट टाइमर जोटी आप लोगों को दिखाएंगे वैसे हरियाणा में भाई एक से बढ़कर एक पशुधन देखने को मिलता है तो सबसे पहले ये देखें कितना नेचुरल ब्लैक कलर है जैसे कोई पॉलिश कर रखी हो इतना ब्लैक कलर मैं आज काफी दिनों के बाद इस जोटी में देख पा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे मिलता है तो मुझे यकीन है कि ये पक्का मतलब है भाई जो देसी चराई है इसकी वो ही अच्छी की जा रही होगी और जो धूप छाव में कि करके नीचे बांधने से उसका भी बहुत फर्क होता है जैसे हम फैन के पंखे के नीचे रखते हैं तो उससे भी पशु लाल हो जाता है तो ये देखें भाई बिल्कुल छोटा सिंग है और रूंग देख सकते हैं और पंचायती जोटे की है ये नहीं जी घर पर रखा है घर पर रखा कर रहा घरेलू जोटे की कोई सीमन शामन का काम नहीं है ठीक है तो ये टैल देखे भाई इसका तो टैल भी मुश्किल से मतलब आप ये कह सकते हो कि दो दो बाल चार बाल सफेद हैं यानी कि एक इंच पूरी सफेद भी नहीं है तो अच्छी टैल है और भैया अभी से जो है अडर का साइज है काफी अच्छा अडर साइज लिया जो टीन थनों की बनावट भी काफी अच्छी बिल्कुल छोटे छोटे थण है अभी निकालना शुरू करे हैं और टाइम भी कितना बाकी है ये भी भाई प्रदीप से पूछेंगे कि क्या टाइम है इसका कितना टाइम है प्रदीप बैने का अभी तो एक हफ्ता और ले लेगी जी एक हफ्ता और ले लेगी के हिसाब से तो के हिसाब से, अच्छा, तो एक हफ्ता और बाकी है, भी एक अगर पूरा जो लेती है तो काफी विकास का भी भी करेगी तो इसकी माँ का दूध आपने बताया प्लस अठारह अच्छा, भी। तो एक बार प्रदीप खोल के और दिखा दे इसको तो आपको खोल के दिखा देता हूँ भाई ताकि इतना अच्छा पशुधन आप लोगों को भी बिल्कुल एक एक बात देखने को मिले ले जाए नीचे ले जाए ले जा जोटी का जो अभी से ही मतलब फर्स्ट टाइमर जोटी का आर्डर बाहर की तरफ निकलिया हुआ बहुत अच्छे उसकी है और बहने के बाद और भी अच्छा आर्डर निकालेगी मुर राे बिल्कुल पूरे करेक्टर हैं जोटी में बहुत छोटा रिंग सिंग और भाई दांतों में भी मैं आपको कवर करके दिखाऊंगा मैंने पता कराया है कि चौथे दांतों में है ये क्यों भाई हाँ जी और सेल के लिए भी रखी है ये देखें आगे आगे से लेके पीछे से लेके बिल्कुल जो एक निशानी दूध वाले पशु की होनी चाहिए वो सारे गुण पशु में हैं तो कितने दूध की उम्मीद कर रहे हो प्रदीप अब की बारिश से इससे जी अठारह के जी का तो है ही है दूध निकाल निकाल देगी देंगे जी बहुत बढ़िया भाई तो प्रदीप भाई के जो पिताजी हैं उनसे भी मैं आपकी बात कराऊंगा भाई क्या क्या इसका डाइट प्लान रखा रह, है तो एक बार इसका प्रदीप को वापिस मोड़ के लेना है इसके दाँत चेक करना भाई एक बार करवा दे दिखा दे दिखा दे दाँत दिखा दे अभी भाई दाँत देखे दे चेक करके दिखा देते हैं एक बार इसको आप भी चेक कर सकते हो और ये दिखा ये देखें भाई ये देखें बिल्कुल आप देख पा रहे हो स्पष्ट चार दाते हैं भाई और दो साइड में आप खड़े हुए भी देख पा रहे हो तो जो साथी इस पशुधन को खरीदना चाहता है खरीद भी सकता है दिखाने का प्रयास यही रहता है भाई ताकि दांतों की साइड से भी आदमी को क्लियर हो जाए और भाई दूध और ये तो भाई मौके की बात होती है और आपने फिर दोहरा देता हूँ रुस्तम गतोली से ये ज्ञापिण है तो दोस्तों भाई इसे रेट का भी क्लियर करेंगे भाई कि किस रेट में भाई ये देना चाहते हैं सेल के लिए है आप लोगों को फिर बता देता हूँ तो भाई प्रदीप इसका सेल का क्या विचार करें आपने सेल का जी दूध तैयार होने के बाद बेचें दूध तैयार हो गए कितना दूध की उम्मीद कर रहे हो इसके अठारह किलो प्लस की उम्मीद है जी भाई 18 किलो प्लस अगर जोटी कर लेती है देखो वैसे अगर हम दे करेक्टर साइड से देखा जाए काफी अच्छे करेक्टर हैं जोटी में मुर्रागे और काफी अच्छा कलर भी जोटी ने लिया देखो दूध का हम ये नहीं कह सकते कि कितने में तो उससे पहले अगर कोई भाई खरीदना चाहे तो तो मौके पर रेट बता मौके पर रेट फोन पे ही तो भाई फोन पे बातचीत कर सकता है भाई से मैंने काफी पता कर लिया रेट का बोला भाई मैं तो मेरा विचार तो ये है कि इतना मतलब भाई ने कॉन्फिडेंस है कि अठारह के दूध तो करेगी करेगी उस हिसाब से आज रेट कहना है तो ये सबको ज्यादा लगेगा इसलिए भाई आज रेट बताना नहीं चाहता अगर फिर भी कोई

तो उसको क्या क्या देते थे आप बीस बाईस के, के जी दूध वाली को क्या खुराक देते थे उसको उसको दलिया दलिया कितना देते थे छह सात किलो, की। किलो। इतना छह सात किलो चाट में दे देते थे और गुड़ गाड़ कितना दिया कर दे पैया मेथी आधा के डेली की और क्या देते थे और कुछ नहीं देते थे भाई मैं सारी पूछू उन चीज जाके हाँ भी बरोया देते थे थे दो चीज बता के बंद हो जाओ तो बताओ से खुल के ने के के दो हमने भी बेरा पट्टे ये भाई भी बेरा पट्टे भाई, भाई ये भी ये भी अपने डांगरा खुआ हुआ है रा पड़ी ने बाईस काट दिया वो चने गा कर दे उसके बिंदोड़े गण गेरा कर दे दलिया चने ते कितना चना दिया कर दे चना मान लो उसने तीन किलो खड़का तीन किलो तो आप मानते हो भाई चना देने से दूध बढ़ेगा तो युवा साथियों भाई आप सीख सकते हो बहुत बुजुर्ग आदमी हैं और काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस भी है भाई जैसा आप चना खिलाओगे तो टाइम का तीन के चना कम से कम खिलाओगे तो दूध की मात्रा उसी तरह बढ़ेगी तो एक और देख सकते हैं भाई कितनी सुपर क्वालिटी की भाई जो इसकी ब्यास की नन नहीं लगती है फर्स्ट टाइमर की जोटी की और कितनी हाइट लंबे देखो पैर देखें खुर नहीं बनवा रखे हैं भाई ने तो थोड़ा उस वजह से थोड़ी अकड़ी अकड़ी आपको नजर आती होगी चाल में लेकिन लंबे टाइट की देखो भाई मैं हमेशा बोलता रहता हूँ देखने में ये बैस नॉर्मल लगती होगी लेकिन थनों की क्वालिटी देखो कितनी सुंदर थन है ब्यास के भाई और ब्यात भी काफ़ी हो, हो चुका है इसका और टैल भी ये देखें भाई मतलब चार पाँच इंच की ये सफ़ेद है अगर बात करें तो ऐसे पशुधन से हम पक्का ब्रीडिंग कर सकते हैं अच्छा ब्रीडिंग तैयार करके और भी अच्छा पशुधन रख सकते हैं तो ये कई बार की ब्याई है भाई नोमी बार वैली तो अच्छा इससे पहले की एक पड्डी है तो ये देखें भाई बिल्कुल जो करेक्टर है ना जो इस पड्डी में भी बहसे बैसने बिल्कुल इस कटड़ी के ऊपर आए हैं ये देखो बिल्कुल आगे का सिंग है बहुत छोटा सिंग है और लंबे टाइट भी देखे लंब कितनी लंबी गर्दन है जो ठीक है भाई और टाइल बिल्कुल सफेद है यानी कि मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ बिल्कुल कोई खुला जोटे से कराई होगी कोई उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा तो का है, साल की है। बुल अरे अरे की नहीं ये कटड़ी पूछ रहा हूँ तो इसका बाप का पंचायती बुल था तो ये देखें भाई पंचायती बुल मैंने पहले ही भाई से बगैर पूछे कह दिया था जो बगैर रिकॉर्ड वाला होता है कोई वो नहीं होता तो उस हिसाब की टल दी है नहीं तो इसकी माँ भी काफी अच्छी ब्यासों में गिनती कर सकते हैं और भाई काफी अच्छे जानकार है इस वजह से इसको राख का डोब से करा है। तो राका के बारे में आप देखा होगा भाई आज अगर हम गिनती करें तो काफी सुंदर जो बुलों में उसकी गिनती होती है भारत के और कई जगह चैंपियन भी वो बने हैं और फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे पोजिशन भी हासिल करता रहता है और सुंदरता में भी बहुत सुंदर है तो आपने देखा उसको कभी YouTube पे देखा जी नहीं देखा अच्छा कैसा लगे आपने अच्छा लगा तभी तो तभी बटवाया तो कहाँ से लेके आए थे अपने राखोड़ा के उसके हजार रुपए लिए हजार रुपए रखने ठीक है तो मैं इसलिए आप लोगों को जानकारी देता दो बार दो दिन के जाता है ठीक है वो इतनी दूर से आया जाए तो पाँच सौ रूपये उसने से लिए तो ये है भाई तो सभी किसान जो साथी हैं वो अच्छे सीमनों का प्रयोग कर सकते हैं और भी जो मैं जो गांव के जो भाई पशुपालक पहुंचे हैं उनके पास भी आप लोगों को आप भी पशुपालन का काम करते <laughs> कितने हैं तो है, कितने पशु रखे फिलहाल जी चार कितने दूध गए सोलह किलो, किलो दूध का ये आपके पास है हाँ, मेरे पास। तो आप क्या क्या डाइट देते हो इसको खुराक क्या दे रहे हो दलिया अच्छा और खाड़ा पिंदोड़ा बस कोई खनिज मिश्रण कोई और तो कुछ, कुछ नहीं ये नहीं खनिज मिश्रण देना चाहिए और इस पशु के लिए बहुत जरूरी है जैसे जैसे बड़ी एज होती है खनिज मिश्रण का भी इस्तेमाल किया करो ठीक है जी तो और भाई देखो बड़े बड़े भारी भारी आदमी आए हैं तो उनसे जरूर पूछांगे आपने कुछ कुछ न कुछ भारी बातें मिलेंगी नमस्कार जी नमस्कार जी और ठीक ठाक हो बढ़िया जी क्या नाम है जी अपना राजेश और कौन सा गाँव है

तो गांव का सरपंच का कोई ये नहीं है दिमाग में कि भाई अच्छा जो पंचायती बुल छोड़ा जाए जिससे अच्छा उत्पादन ले दूध का देखो जी सलाह तो है लेकिन वो तो पंचायत को प्रबात है तो नहीं जी सहयोग नहीं हो रहा थोड़ा सहयोग नहीं मिल रहा है इकट्ठे नहीं हो रहे टांगता नहीं चल रहा है छोड़ोगे तो बढ़िया छोड़ोगे हाँ जी लेंगे तो बढ़िया लेंगे कै के जी दूध का दो वो तो जी देखो टाइम के ऊपर बात है कम से कम अठारह बीस के जी से ऊपर का होना है ऊपर का मिल जाए और बढ़िया और मिल जाए हाँ। बहुत बढ़िया देखो कितनी अच्छी सोच है भाई की और होना भी यही चाहिए नमस्कार जी भाई साहब नमस्कार जी और क्या नाम है जी पशुपालन करते हो कितने पशु रखते हो दो कितने दूध की चौदह किलो खरकी का बहुत अच्छी कौन से की हवा जी कौन से गाँव से

कौन रख दे कोई बात ना दूध पियो तो सो दूध तो पियो चलो दूध पींद रहो अच्छी बात है आप आपके रखो रखा जी रख रखो तो और बेट बकरी, बकरी भी रखो तो आप ये बताएं बेड़ बकरी शर्मा क्यों बेड़ बकरी के छोटी मोटी चीज है रख के देखो जी जीरा पटे पशुपालन किसी भी चीज का हो सकता है तो आप ये बताएं आपने बेड़ बकरी का जो भी और भी साथी कोई अपना वीडियो देख रहे हैं तो आपने बेड़ बकरियों में बकरियों में ज्यादा फायदा लगे है बेडो में सही बेडो में तो वो क्या कारण बेडो में क्यों जल्दी तैयार अच्छा बकरी का नहीं बकरिया देखो टाइम मैंने ये सुना हुआ था कि बकरी का ज्यादा भाई तीन महीने में बह जाती है बकरी छह महीने में तो साल में दो बबले बच्चे दो बर, देती हो तो उसमें बारह महीने में दो तो इसमें भी आजकल कोई सिस्टम आपने कभी सीखने की कोशिश करी है अच्छा मिंडा लेके आवा अच्छा बकरा ऐसा कुछ करते हो या नहीं तो इसमें ब्रीडिंग चलती होगी हाँ चल रहा है दूध आड़ी की चल रहा है किस तरह करो ये दूध आड़ी का है जिस तरह बढ़िया बच्चा होगा तो बढ़िया पैदावार देगा कैसे फायदा होता है ये बताइए किसकी फायदा तो ये बच्चे वाला तो बच्चे किस किस चीज के लिए काम आते है बच्चे व्यापारी ले जाए मंडी लगा मंडी लगा

दो दो का दो ढाई डाए। हजार अच्छा दम आद ठीक है तो ये फर्क रहता है आ, तो इसकी बेड की ऊन बेचते हो ऊन नहीं बिकती ऊन नहीं बिकती क्यों पता नहीं क्यों नहीं बिकती पहले, पहले, पहले तो बहुत बिकती थी।, थी देखते थे हम छोटे थे जिन नहा नला बेडा बेडान बढ़िया साफ सफाई करके अच्छा इको नहीं बिक तो ये भाई का एक्सपीरियंस है भाई मैं आप लोगों को बता दूं जो साथी अपने इस टाइप के जो भी जुड़ रहे हैं कि भेड़ और बकरी का जो फर्क बताया कि भाई भेड़ का क्यों उत्पादन ज्यादा है और क्यों ज्यादा महंगी बिकते हैं तो दोस्तों मैंने अब अपना प्रयास है कि प्रवीण मुरा फर्म चैनल के द्वारा आपको अच्छी जानकारी दूँ और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जय हिंद जय जै भारत जय गुरु भाई था उषा था भाई भाई। पहला फोटो आता पछाण कर दे रहे मैं छोटा पढ़ मैं किशा था ये फोटो तो अपन नेगेटिव नुगेटिव जाली पहला कडू कर दे ना ना सही ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਜਾ আজকাল ਹਨ ਬੇਚਨ ਖਤਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਾ ਆਪਣਾ ਕੇ ਫਾਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ YouTube ਦਾ ਇਹ ਬਜ਼ਾਰੋ ਸਾਲ ਪਛੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਆਪਕੇ ਪੋਤੇ ਬੇਟੇ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ ਮਾਰਾ ਬਾਬਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਸ਼ਾਵਾ ਮੈਂ ਆਸਤੀ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਕਾੜਨ ਢੂੰਡ ਦੰਡਾ ਨਨੂ ਕੋਨੀ ਬੇਰਾ